Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we discuss all topics related to chapter first of class 6th mathematics. Chapter first है हमारा knowing your numbers. तो इस chapter में जितने भी concept हैं, जितने भी इसके अंदर topics हैं, वो सब हम इस छोटे से video के अंदर cover करेंगे. उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरे चैप्टर में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा. आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे आपके कवर हो गए. आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी. चैप्टर फर्स्ट नोइंग योर नंबर्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएँ क्या होती हैं. हमारे पास 1, 2, 3, 4 या ये कहीं 0, -1, -2 इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. उनकी संख्या है वो अनगिनत है, इनफाइनाइट है. तो ये सब क्या हैं, नंबर्स हैं. सबसे पहले आता है असेंडिंग ऑर्डर. को नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर. इसमें जो नंबर्स होते हैं उसको हम बढ़ते क्रम में, इंक्रीज ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखते हैं. जैसे कि मान लिया नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13. इस तरह से हम जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं. संख्याएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी. एक होता है इसका विपरीत, डिसेंडिंग ऑर्डर. ये इसका बिल्कुल अपोजिट है. डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो नंबर्स हैं वो घटते क्रम में आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे हम मानो शुरू करते हैं 20 से, तो अगला नंबर आएगा उससे कम. पर जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, इनके जो वैल्यू है वो घटती जा रही है. 20, फिर 19, 18, 17, 16 इस तरह से. तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में होंगे. और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखे जाएंगे. नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. संख्याओं को लिखने के सिस्टम है वो किस प्रकार से है. तो हम दो सिस्टम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है इंडियन सिस्टम. हमारा जो भारतीय सिस्टम है, भारतीय पद्धति है, उसके अनुसार यहाँ पर हम संख्याओं को, नंबर्स को लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक. यहाँ पर हम संख्याओं को वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स इस तरह से लिखेंगे. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख. ये पद्धति है हमारी इंडियन सिस्टम को लिखने की. दूसरा सिस्टम है जो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसके अंदर हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे. तो वहाँ पर वंस आएगा, टेंस होगा, हंड्रेड होगा, थाउजेंड होगा, मेरे पास आएगा मिलियन. ये इसमें यहाँ से ये चेंज हो जाएगा मिलियंस. वहाँ पर हमारे पास थाउजेंड के बाद था लैक के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड के बाद मिलियन से शुरू हो जाएगा, मिलियंस, टेन मिलियंस, इस प्रकार से. तो ये दो सिस्टम हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम. वन मिलियन होता है जो, वन मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख्स, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है. और इससे बड़ी जो यूनिट है वो है बिलियन की. तो 1 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिलियन.
नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राम के बारे में। 1 केजी, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोमन सिस्टम के। रोमन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले 1 की बात करें, 1 को लिखा जाएगा इस तरह से, 5 को लिखा जाएगा वी, 10 को लिखा जाएगा एक्स, 50 को लिखा जाएगा एल, 100 को लिखा जाएगा सी, 500 को लिखेंगे हम डी से, और 1000 को हम लिखेंगे एम से। एम लास्ट में हम पढ़ लेते हैं नियरेस्ट वैल्यू के, या निकटतम मान, नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी। जैसे 81 लेते हैं हम, 81 किसके नियरेस्ट है, तो 81 जो है वो नियरेस्ट है 80 के, तो 81 का नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 80। फिर 99 किसके नियरेस्ट है, किसके निकट है, किसके नज़दीक है, तो 99 है वो नियरेस्ट वैल्यू उसकी 100, क्योंकि वो 100 के निकट है, उसके नियरेस्ट है 5900। इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू हो क्या हो जाएगी, ये 6000 के नियरेस्ट है। इसी तरह से फिर 53552, ये से निकट या नियरेस्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी 54000। नेक्स्ट है 5673, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये नियरेस्ट किसके होगा, ये नियरेस्ट होगा 6000 के। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर फर्स्ट के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने टॉपिक्स थे, वो सब क्लियर होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी हमारा टॉपिक शेष नहीं रहा होगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी।